हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वल्नरेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था कि टारगेट की वल्नरेबिलिटीज को क्रिमिनल्स जो है कैसे पहले लोकेट करते हैं और उसको टारगेट करते हैं। आज हम लोग ये बात करते हैं कि क्रिमिनल्स जो है प्लान को कैसे, किसी भी अटैक को कैसे प्लान करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट प्लानिंग द प्लानिंग द अटैक। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल्स यूज मेनी मेथड्स एंड टूल्स टू लोकेट द वल्नरेबिलिटीज ऑफ दियर टारगेट। सबसे पहले वे ये फाइंड आउट करते हैं कि उनके टारगेट में कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ से हम पेनिट्रेट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क या किसी भी सिस्टम के अंदर। अब जो टारगेट होता है किसी भी आपके साइबर क्रिमिनल का, वो कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल्स प्लान पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं? एक्टिव अटैक्स आर यूजुअली यूज्ड टू अल्टर द सिस्टम, वेयर एज पैसिव अटैक्स अटेम्प्ट टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो जो एक्टिव अटैक होते हैं वो तो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, और जो पैसिव अटैक होते हैं वो क्या करते हैं, वो टारगेट के बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। एक्टिव अटैक्स में अफेक्ट द अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, वेयर एज पैसिव अटैक्स लीड टू ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये डिफरेंट होता है, यानी जो अटैक्स होते हैं आपके, जो साइबर क्रिमिनल्स अटैक करते हैं, वो अटैक्स जो है दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका एक्टिव, ठीक है, एक्टिव अटैक, और दूसरा हो गया आपका पैसिव अटैक। दूसरा हो गया आपका पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या होता है कि वो सिस्टम को या उसकी वर्किंग को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और जबकि पैसिव अटैक में वो धीरे धीरे अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। एक्टिव अटैक्स जो है मे अफेक्ट द अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, वेयर एज पैसिव अटैक्स लीड टू ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे आपने अटैक्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में, एक्टिव अटैक में और पैसिव अटैक में, इसी तरह अटैक्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इनसाइड अटैक, ठीक है, इनसाइड, और दूसरा होता है आउटसाइड। तो एन और अटैक ओरिजिनेटेड एंड और अटेम्प्टेड विद इन द सिक्योरिटी पेरीमीटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनसाइड अटैक। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी पेरीमीटर है उसके अंदर से ही जो भी अटैक ओरिजिनेट होता है या अटेम्प्ट किया जाता है उसको इनसाइड अटैक कहते हैं। एंड इट इज यूजली अटेम्प्टेड बाई एन इनसाइडर हु गेन्स एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज देन एक्सपेक्टेड। तो जो इनसाइड अटैक होता है वो किसी भी इनसाइडर के द्वारा किया जाता है जो ज्यादा रिसोर्सेस का एक्सेस गेन कर लेता है, जितना उसको अलाउड है या जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा रिसोर्सेस का एक्सेस गेन कर लेता है वो, और फिर उसकी उसकी मदद से वो अटैक करता है। और जो आउटसाइड अटैकर होता है, एन आउटसाइड अटैक इज अटेम्प्टेड बाई ए सोर्स आउटसाइड द सिक्योरिटी पैरामीटर, मे बी अटेम्प्टेड बाई एन इनसाइडर एंड और एन आउटसाइडर हु इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अटेम्प्टेड थ्रू द इंटरनेट और ए रिमोट एक्सेस कनेक्शन। तो जो आउटसाइड अटैक है वो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है या आउटसाइड रिमोट एक्सेस कनेक्शन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जब भी आप साइबर क्राइम को प्लान करते हैं तो उसके प्लानिंग में दो तीन स्टेप्स आते हैं। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं किसी भी साइबर क्राइम की, तो पहला तो जो आता है वो आता है रिकॉनिजेंस, ठीक है, पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड रिकॉनिजेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग।
इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, या इसमें सिर्फ साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट फेज एंड इज ट्रीटेड एज पैसिव अटैक। तो ये क्या होता है, रिकॉग्निजेंस जो है ये फर्स्ट फेज होता है और ये पैसिव अटैक की तरह होता है, ठीक। सेकेंड क्या होता है, स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग द गेदर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वेल एज टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ गैदर होती है उसको स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग एंड स्क्रूटनी की जाती है उसकी, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है वो वैलिड है कि नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए, और एज वेल एज वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज है, कहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। और तीसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है लॉन्चिंग एंड अटैक, मतलब अटैक लॉन्च करना, लॉन्चिंग एंड अटैक, ठीक है। इसका लॉन्चिंग एंड अटैक में क्या आता है, गेनिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम एक्सेस, किसी सिस्टम का एक्सेस गेन कर लेना और उसको अपने पास बनाए रखना, ठीक। तो ये तीन स्टेप में, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और फिर थर्ड फेज, ये तीन फेज में किसी भी साइबर अटैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें वन बाई वन हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका रिकॉग्निजेंस। तो देखिए रिकॉग्निजेंस में क्या होता है, रिकॉग्निजेंस में क्या होता है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ रिकॉग्निजेंस इज एन एक्ट ऑफ रिकॉनिटरिंग, मतलब एक्सप्लोर ऑफन विद द ग्लोब गोल ऑफ फाइंड समथिंग और समबडी, स्पेशली टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन एनिमी और पोटेंशियल एनिमी। तो रिकॉग्निजेंस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के बारे में, जनरली जो है आपका जो एनिमी है या पोटेंशियल एनिमी है उसके बारे में एक्सप्लोर करना इंफॉर्मेशन को। इन द वर्ल्ड ऑफ हैकिंग रिकॉग्निजेंस फेज बिगेंस विद फुटप्रिंटिंग, दिस इज द प्रिपरेशन टुवार्ड्स प्री फेज अटैक एंड इन्वॉल्व्स एक्युमुलेटिंग डेटा अबाउट द टारगेट्स एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू फाइंड वेज टू इंट्रूड इनटू दैट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले रिकॉग्निजेंस में क्या करते हैं, फुटप्रिंटिंग करते हैं। फुटप्रिंटिंग में ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डाटा एक्यूमुलेट करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ से एनवायरनमेंट में इंट्रूशन किया जा सकता है। फुटप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, फुटप्रिंटिंग गिव्स एन ओवरव्यू अबाउट द सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड प्रोवाइड्स ए जजमेंट अबाउट पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दोज वल्नरेबिलिटीज। फुटप्रिंटिंग से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि सिस्टम में कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है और कहाँ से हम उसमें इंट्रूड कर सकते हैं, यानी उन वल्नरेबिलिटीज को कैसे हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं उनका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिपरेटरी फेज इज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, इट्स नेटवर्किंग पोर्ट्स एंड सर्विसेज एंड एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स सिक्योरिटी दैट आर नीडफुल फॉर लॉन्चिंग द अटैक। तो ये सारी चीजें हम रिकॉग्निजेंस फेज में करते हैं। तो इसका से क्या होता है कि एन अटैकर अटेम्प्ट्स टू गेदर इंफॉर्मेशन इन टू फेजेस, पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स, ठीक है। तो यानी कि अटैकर जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है दो फेजेस में, ठीक है। तो एक तो पैसिव अटैक्स है रिकॉग्निजेंस में, एक तो वो पैसिव अटैक से इंफॉर्मेशन, पैसिव अटैक इससे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और दूसरा वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है एक्टिव अटैक से। तो एक्टिव अटैक्स, अब आ जाइए पैसिव अटैक्स पे। तो जब हम पैसिव अटैक की बात करते हैं, पैसिव अटैक्स इसकी जब हम बात करेंगे, तो पैसिव अटैक का मतलब क्या होता है कि पैसिव अटैक इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट विदाउट हिज हर इंडिविजुअल्स और कंपनीज नॉलेज, मतलब किसी पर्सन के से बगैर परमिशन लिए या बगैर उसकी नॉलेज में
दिए हुए कि भाई हमें इंफॉर्मेशन ये चाहिए, अगर हम उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैसिव अटैक। इट कैन बी एज सिंपल एज वॉचिंग अ बिल्डिंग टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइम एम्प्लॉयज एंटर इनटू द बिल्डिंग प्रीमाइसेस। हाउएवर इट इज यूजुअली डन यूजिंग इंटरनेट सर्चेस और बाय गूगलिंग, सर्चिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन गूगल एन इंडिविजुअल और कंपनी टू गेन इंफॉर्मेशन। तो जो पैसिव अटैक होता है जनरली वो एक तो सिंपली हो सकता है कि आप किसी बिल्डिंग को वॉच कर रहे हो, आप देख रहे हो कि उसमें एम्प्लॉय किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, किस टाइम लंच टाइम होता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा तरीका क्या होता है कि इंटरनेट सर्चेस के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गूगलिंग। ठीक है, मतलब गूगल पे सर्च करना, ऐसे आप कह लीजिए कि सर्चिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन गूगल, तो दैट इज कॉल्ड गूगलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पहला तो ये हो गया कि आप गूगल या याहू सर्च से पीपुल सर्च टू लोकेट इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज। सेकेंड हो गया सर्फिंग ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स लाइक ऑर्कुट ऑब्लिक फेसबुक विल प्रोवाइड यूजफुल टू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। तो यानी कि पहला तो हो गया आप जो है गूगल या याहू सर्च से आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया जो कम्युनिटी ग्रुपिंग होती है जैसे ऑर्कुट हो गया या फेसबुक हो गया, उससे आप काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया कि ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट में प्रोवाइड ए पर्सनल डायरेक्टरी और इंफॉर्मेशन अबाउट की एम्प्लॉयज। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्टरी होती है उसमें की एम्प्लॉयज जो की पोस्टों पर बैठे हुए लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनके बारे में वो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टरी में उनके कॉन्टेक्ट, ईमेल, एड्रेस, फोन नंबर एट्सेट्रा वो डाले रहते हैं। तो दिस कैन बी यूज इन ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक टू रीच द टारगेट। तो जब हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हैं तो हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो डायरेक्टरी वेबसाइट वगैरह पे उपलब्ध रहती है जिसमें की इम्प्लॉयज की डिटेल रहती है, वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हो गया आपका कि ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, प्रेस रिलीज एट्सेट्रा से आर जनरली यूज एज द मीडियम्स टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और एम्प्लॉय। तो ये आपके ब्लॉग्स हो गया, न्यूज ग्रुप्स हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, इनसे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और जो फिफ्थ है आपका दैट इज गोइंग थ्रू द जॉब पोस्टिंग इन पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल फॉर टेक्निकल पर्सन्स कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस डिवाइसेज ए कंपनी मे बी यूजिंग ऑन इट्स नेटवर्क। तो पांचवा जो तरीका है वो ये है कि आप किसी जॉब पोस्टिंग में पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए जाइए टेक्निकल पर्सन के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, कौन से सर्वर यूज़ कर रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी के पास, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली जो है मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका जो सेकेंड स्टेप अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए पहले पेज पे हमने बताया था ना, ये सेकेंड स्टेप आपका स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग। तो स्कैनिंग और स्क्रूटनाइजिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।